आखिरकार वो घड़ी आ चुकी जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। माइनक्राफ्ट की वीडियोस वापस आएगी और आ चुकी है। आज तो माइनक्राफ्ट की वीडियो की ही बारी है सबसे पहले, एंड देन सारी सीरीज़ कंटिन्यू होएगी। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम वापस खेलेंगे माइनक्राफ्ट, जैसा कि आपने देख लिया होगा टाइटल में। और आपने आखिरकार इंतज़ार कर ही लिया है, तो आ चुकी है ये वीडियो। मैंने जैसे कि कहा था 15 अक्टूबर आज डेट है, तो फिलहाल अभी हम कर लेते हैं इसको FPP पे। एंड अभी मैं अपने दोस्त के घर में हूँ, इसने के घर में मैंने सारी कारपेट लगा ली है। इसका घर अब अच्छा लग रहा है बाहर से भी, क्योंकि अब वेदर ये हो रहा है, तो मेरे को अभी फ़िलहाल वेदर मेरे को क्लियर कर देना पड़ेगा। वेदर क्लियर करने पे भी शाम हो रही है, तो मैं डे कर देता हूँ। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पहले तो वॉच टावर और एक ऐसा सीढ़ीदार रास्ता जो युद्ध करने के लिए जो घंटी बजती है वैसा संकेत करता हो। और मैंने विलेजर्स को शिफ्ट कर दिया है, वो तो सबसे पहले दिखाना है। जैसे कि आप वो रेड और डार्क ब्लू कलर में देख ही पा रहे हो, वही चीज़ है। और ये जो ये बड़ा सा पेड़ दिख रहा है उसके साइड में, ये वॉच टावर, और ये है ऑल इन वन विलेजर्स का घर। तो सबसे पहले विलेजर्स के घर में जाते हैं। मैंने सबको काम दे दिए हैं, इनको मैंने पकड़वा दिए। जैसे ये लाइब्रेरी है ना, इसको लेफ्ट में पकड़वा देना, और जैसे ट्रेड करूँगा तो ये मेरे को ये सब देगा। मैंने इससे एक बार ये तो लिए क्योंकि मेरे पास अभी बुक है। और अगर एक यहाँ पे घंटी लगा दूँ सब अंदर चले जाएंगे। इनके लिए बेड मैंने तैयार रख दिया है। यहाँ पे बिल्लियाँ स्पॉन हुई है और इतना ही है बस। मस्त तो यही चीज़ लग रही है इनके ऊपर। और वैसे इनका घर के वो बनाने के जो जो मटेरियल्स है वो वाइट टेराकोटा, बर्च वुड प्लैंक्स एंड बेड तो बाद में लगाए हैं। डार्क ऑक वो है, डोर है, और आयरन डोर और ग्लास पेंस, यही सब है। तो ये एक सिंपल सा घर है बाहर का, जिससे मैं एटलीस्ट ट्रेडिंग कर सकूँ इनकी। और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये चीज़ जो आगे देख पा रहे हैं, ये है स्विमिंग पूल। वो जो मैंने फन पार्क था, अब मैंने उसे स्विमिंग पूल कन्वर्ट करके यहाँ पे एक दुकान भी बना दी है। इससे जो भी यहाँ पे काम करने आएगा, ये भी मेरे एक दोस्त के लिए, वो 10 डायमंड, अगर कोई भी अंदर जाएगा एक आदमी के लिए 10 डायमंड्स है। तो फिलहाल मैं अंदर का दिखा देता हूँ। ये गेट्स मैंने लगा दिए, इससे पानी जाएगा नहीं। ये एक समथिंग ऐसे टाइप का है, यहाँ पर ऐसे खेल सकते हैं। और ये रिलैक्स वाला एरिया है। यहाँ टेबल भी है, यहाँ एक टेबल चेयर्स है रखी हुई। और ये है मेन डाइविंग वाला। मैं इसको एक गिलास और भी ऊपर कर दूँगा, क्योंकि अभी ऐसे करके कोई भी कूद सकता है यहाँ पे। तो ये समथिंग ऐसे करके कूद, जैसे डुबकी लगा दे वैसे टाइप का है। तो ऐसा ही है ये। और अब चलते हैं हमारे ट्री वाले, जो भी वॉच टावर है उस पर देखने चलते हैं। तो चलते हैं बाहर फटाफट, फुल स्पीड से चलता हूँ मैं। और ये विलेजर्स देख सकते हैं कभी कभी ऊपर भी आ जाते हैं, ये बस ऊपर से नीचे ना कूद जाए, इसलिए मैंने ये वाली दीवार लगा रखी है। और उसके बाद मैंने ये वाला टावर इसलिए बनाया था ताकि वो क्या कहते हैं, हम अब अपने अपने बॉर्डर भी बनाएंगे। मतलब मेरा घर दूसरे बॉर्डर में रहेगा, उन दोनों का घर दूसरे, और ये स्विमिंग पूल अलग बॉर्डर में रहेगा। सबका अपना अपना बॉर्डर रहेगा, वो उनका उनका कंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक ऊपर बेल प्लेस कर दिया। ऐसे करने से मतलब युद्ध की संभावना जैसे हो जाती है वैसे। और नीचे जो रास्ते ये कुछ भी नहीं है, दिखा देता हूँ एक बार नीचे जाके। ये ऐसा है, इसके बाद यहाँ लैडर लगाई है मैंने, ये सारा नेदर एक्स बनाया। ये ट्रैपडोर है और ये कारपेट है, ये वही चीज़ है। ये इसके नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ मैंने ट्रैपडोर लगा रखा था,
इसको फिलहाल रेड कारपेट प्लेस करते हुए। अब आ चुकी है इसकी बारी, जो भी इसे ट्री वेस कह सकते हैं। इसका अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पहले एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ट्यूटोरियल टाइप कि सबसे पहले तो ऑक लॉग ले लो, जहाँ से भी लकड़ियाँ पेड़ काट के, और ये शेयर्स से काट लो, ये जो ये वाली चीज़ मैंने ले रखी है, इनके घास और ये सब, तो ये सब लेके इनको ऐसी पहले तो सिर्फ एक क्या कहते हैं इसे 1 2 3 4 5 एंड ओ नो ये गलती से कट गया, सॉरी 5x5 का ये ले सकते हैं, 5x5 ऑक लॉक करके, एंड बाद में ये सब प्लेस करने का काम है। यहाँ से एक समथिंग एंट्रेंस टाइप बना के ये अभी ऐसे बंद करके रख दो, और साइड में ऐसे करके लीवर लगा दो। और यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये कोई सिस्टम नहीं है, इसके पीछे ही वो है पिस्टन से। तो सबसे पहले मैं नीचे का दिखा देता हूँ। नीचे मैंने एक छोटा सा ऑफिस टाइप बना रखा है ताकि वो अगर मैं किसी पर नज़र रखूँ और कुछ हो जाए तो मैं यहाँ पर आ जाऊँ। और ऊपर जैसे आएंगे सबसे पहले हम शीशे से देखेंगे, हमारा विलेजर्स का घर दिख रहा है नज़र रखने के लिए, और हमारा घर भी दिख रहा है। और फिर जैसे ही ऊपर आएंगे, मैंने यहाँ ऊपर काले शीशे लगा रखे हैं क्योंकि काले शीशे अगर हम बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि खाली पड़ा हुआ है, उल्टा ये जो पीछे वाली चीज़ है ये दिखेगी सिर्फ, और लगेगा कि ये पेड़ ही है। तो मैंने काले शीशे लगा रखे और हम यहाँ का भी देख सकते हैं। तो बस इतना ही, ये तो था ऊपर का, एक पेड़ टाइप बना दिया बिल्कुल जैसे पेड़ टाइप होता है। अभी मैं सोच रहा था कि मैंने अभी ब्लैक स्टोन से, वो तो पॉलिश ब्लैक स्टोन से बनाया, ऊपर छूट गया सॉरी, एंट्रेंस का भी यार ये रहा, क्या हो गया, ओ नो नो नो, अरे गाइस मैं वापस नीचे आ गया। ओके तो मैं आ चुका, अब मैं लॉक कर दूंगा इसे। तो सिंपल सा इसका ये ट्यूटोरियल था, और जैसे ही ये बन जाए स्ट्रक्चर टाइप, उसके उसे कवर करने के लिए, डोर फोर को कवर करने के लिए ये, और ये तो पता ही आपको ये कैसे डर्ट का चीज़ था एक पहले, और अब कितना मस्त लग रहा है ये सिंपल नेदर एग जो मिल जाते हैं उससे, क्या कहते हैं नेदर में जाके नेदर एग से ही ले लेना होता है ये। तो मेरे को यही दिखाना था क्योंकि अब तक की यही हुए हैं। अब आने वाली वीडियोज़ में हम रेल ट्रैक भी बनाएंगे क्योंकि रेल ट्रैक बनाना भी बार बार माइनशाफ्ट में जाना पड़ेगा, तो स्टेशन से भी कहीं बनाएंगे, स्टेशन पार कर करके कर करके उसके बाद एक टाइम पे हम बॉर्डर भी बनाएंगे जिससे हम हमारा एक गेटवे थ्रू होएगा, जिससे हम क्या कर सके, हम एक दूसरे के मतलब अलग अलग रहे, और अगर कोई भी ऐसे आवाज़ उठाता है तो उसके साथ युद्ध भी कर सके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए हम ऐसे ही कर सकते हैं। मैं अभी सोच ही रहा था कि अपना बॉर्डर भी बड़ा बनाया जाए, बॉर्डर बनाने के लिए मैंने पहले से ही सोच रखे, ये मैं खेत में कहाँ घुस गया, वेट सेकंड पहले इसे निकल जाता हूँ, बड़े दिन से इसका खेत भी नहीं देखा मैंने। चलो वैसे आज से 15 अक्टूबर हो चुका है, और अब से माइनक्राफ्ट, कॉल ऑफ ड्यूटी, मॉन्स्टर मास्टर्स की वीडियो आएगी, और जैसे आपको वो जो दूसरा वाला लास्ट वाला प्लेलिस्ट है, जो प्लेलिस्ट नाम से है गेम्स डाटा नाइस करके, उसमें अगर आपको अमंग अस गेम प्ले अच्छा लगा तो वो बता दीजिए। उसके बाद मैं आपको, मैंने आपके लिए बहुत मस्त मस्त कर रखे गेम प्ले सेलेक्ट कर रखे, उसके भी मैं रियल गेम प्लेस दिखाऊंगा, ऐसे ही नहीं दिखाऊंगा। तो इसका ओनर का नाम मैंने लिख रखा है, ये मंडे को क्लोज रहेगा, ये ज़बरदस्ती है अगर इसने की नहीं, क्योंकि ये मैंने बनाया तो इसको अभी फॉलो तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मेन, अब मैं अपने सामने ऑफिस भी एक बना दूंगा ताकि वहाँ पे भी सब आ सके, मतलब ऐसे टाइप के। और सोच रहा हूँ अब, क्योंकि मैं इस ये जो हमारा वर्ल्ड है इसे अब मैं सर्वर में चेंज करने वाला हूँ, अगर आपको इस सर्वर में आना है तो मैं उसकी भी अगर एक वीडियो बना दूंगा, वो वीडियो बहुत ही छोटी सी होएगी, ज़्यादा कुछ उसमें होएगा नहीं, आपको पता भी है कैसे ज्वाइन होना है, तो उसे सिंपल से उस प्रोसेस को ट्राई करके मेरे को टेक्स्ट कर देना उसी के जिस चीज़ से जो मैं बताऊँगा, और उसमें टेक्स्ट करना मेरे को जब फ्री टाइम मिलेगा, मैं ज़रूर इस सर्वर को खोल लूँगा, और फिर ये सर्वर खोल के इसमें आप कभी भी ज्वाइन हो सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर कुछ वो हो एडवाइस टाइप की क्या क्या और भी बनाना चाहिए, और जैसे हम बॉर्डर बनाने वाले हैं, बॉर्डर मैं आपको दिखाता हूँ किस चीज़ से मैं बनाने वाला हूँ, तो सबसे पहले बॉर्डर बनाने के लिए मैं उस चीज़ का यूज़ करूँगा, उसका नाम है स्टोन ब्रिक्स। एक तो इस चीज़ का यूज़ करूँगा, ये जो ये वाली स्टोन ब्रिक्स है, एंड एक तो ब्लैक स्टोन
पॉलिश ब्रैकस्टोन ब्रिक्स का यूज़ करूँगा। इन दो चीज़ों से मैं अपना एरिया बनाऊँगा और बाकी के जो मेरे बाकी के मतलब जो बॉर्डर्स बनेंगे उनका तो देखना पड़ेगा वो किससे बनाएंगे, उनकी हेल्प तो करनी पड़ेगी। और ये जो मैंने तलवार जो ली है, मेरा गोल्ड फार्म भी आपको दिखा देता हूँ। और हाँ, एक चीज़ तो दिखानी है मेरे को, पहले सबसे पहले अपने घर में चलते हैं। एंड अभी तो दोपहर हो गई है, चलते हैं सबसे पहले। और फाइनली मैंने आखिरकार यहाँ पे लीवर हटा दिए एंड प्रेशर प्लेट्स लगा दिए। बस ये घर में पूरा बस एक ही लीवर है जो चलता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर प्लेट लगा नहीं सकता मैं, इसलिए यहाँ लगाना पड़ा। यहाँ पे भी प्रेशर प्लेट लगा दी मैंने, यहाँ पे मैग्मा ब्लॉक था इसलिए लग गई। और फिलहाल मेरे को एक चीज़ दिखानी थी। अच्छा, मैं बार बार दरवाजे क्यों खोलता हूँ, ऐसे अब तो ऐसे चलना है। मैंने यहाँ एक क्राफ्टिंग टेबल प्लेस कर दिया है, अब घर के अंदर का भी लुक देख सकते हैं। यहाँ पे इतना कुछ सामान, मेरे को और भी डायमंड्स मिल रहे थे मैं जो माइनशाफ्टिंग कर रहा था, क्योंकि ये देखिए मैंने ये कुर्सी भी अलग कर दी है, यहाँ पे वो क्वार्ट्ज ब्लॉक्स लगा दिए ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज करके। और इसके अंदर मैंने ढाल दिया है वाइट कॉन्क्रीट। अगर आपको वाइट कॉन्क्रीट की रेसिपी नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सैंड एंड ग्रेवल एंड वाइट डाई चाहिए होता है। जैसे ही वो वाइट कॉन्क्रीट पाउडर बन जाएगा उसके बाद आप उसको पानी में प्लेस कर दीजिए एंड देन वो वाइट कॉन्क्रीट में बदल जाएगा। और आपको ये लग रहा होगा ये कैसे आया, यही तो मेन चीज़ है, ये पिलेजर्स का है क्योंकि आया कैसे। तो पहले मैं इन पिगलिंस को मारते मारते आपको सुना तो क्या कहानी हुई थी। असल में मैं जब आज खेल रहा था सुबह को, तब हुआ ये था कि मैं ऐसे ही गया था ढूंढते ढूंढते, मेरे को तो पता ही है कि कैसे कैसे वो लोकेशन ढूंढते हैं, तो लोकेशंस ढूंढने के लिए मैंने वो सब लिया था। एंड फिर मेरे को वो मिले थे, मेरे को वो चीज़ हुई थी क्या कहते हैं पिलेजर्स आउटपोस्ट मिला था, तो मेरे को बहुत ही खुशी हुई थी। मैंने उन पर क्या कहते हैं अटैक कर दिया था गलती से एक पिलेजर पे, वो लोग मेरे पे रेड मारने लगे थे। उसी वाले एक पास ही में विलेज था, उसमें मैं चला गया और फिर लास्ट तक लड़ते लड़ते मेरे को 3 टोटेम ऑफ अंडाइंग मिला है। अब मेरे को इसका यूज़ तो पता ही है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, इससे हम मरेंगे नहीं, पर के पता नहीं कितने सेकंड्स के लिए या मिनट्स के लिए वर्किंग करता है ये। उसके बाद मेरे को ये पैंट्स, ये जितनी भी ऊपर वाली चीज़ें ये ऊपर वाले फ्लोर में ये सब मेरे को उससे मिला। और ये नीचे वाली तो मैंने वहाँ से लिया है, ये ट्विस्टिंग बाइंस रेड कलर का, ये बुक मैंने उनसे लिया है एंड सैडल, और ये सब ऑटोमेटिक उनसे मिला है मेरे को। पोटैटो एमरेल्ड हर इसको मारने से एमरेल्ड मिल रहा था, पर अब तो एमरेल्ड मैंने ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ रख रखे पहले से पॉलिश ब्लैकस्टोन ब्रिक्स बहुत सारे, मैं इसको यूज़ करने का टाइम आ चुका है, पर स्टोन ब्रिक्स अभी बनाने हैं इसलिए मैं अभी बॉर्डर अभी बनाऊँगा नहीं, तब तक मेरे अभी रेलवे स्टेशन और ये सब बनाने का वक्त आ चुका है। और टॉमी तो कुछ कर नहीं रहा, सो मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें आने वाली वीडियो में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएगी जो आपको भी वो अगर आप माइनक्राफ्ट की प्रो बनना चाहते हैं तो सीखने के लिए बहुत ही काम का आएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल सो जाता हूँ और आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, अभी जल्दी चलता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ बस मैंने प्रेशर प्लेट नहीं लगाया, यहाँ पर भी लगा लेता हूँ, अपना जो मेन वाला रूम है वहीं पर नहीं लगाया। हाँ, तो गाइस ये जो ये वाले चीज़ें ये मैं पूरा खोदूँगा, जो स्टोन्स मेरे को मिलेंगे वापस उसे फर्नेस में डाल के स्टोन्स कलेक्ट करूँगा। ये नीचे कौन कर देता है बार बार, अच्छा ओके, ये चीज़ हो जाता है बार बार, वो प्रेशर प्लेट थोड़ा उससे जुड़ा हुआ है ना, कोई बात नहीं। यहाँ से चल लूँगा, मैंने सारे लीवर बता दिए, तो मेरे को इस टाइप के चाहिए, ये जो सीढ़ियाँ मैंने जिससे बना दी है बाद में कन्वर्ट करके, तो इस टाइप के चाहिए। तो फिलहाल देखते हैं, अभी गोलम तो मेरा पूरा मस्त एक ही जगह पे। ये क्रीपर क्यों आ जाते हैं बाद पे लड़ने, नहीं लड़ना मेरे को इनसे, क्या लड़के आएगा, ये लड़के ही जाएगा लगते इस जगह पर, फोड़वाऊँगा इसे। दो आने दो क्रीपर आ जाओ, आ जा गड्ढे में आ जा। अरे मैं ही मर गया कोई बात नहीं, यहाँ पे हम प्रेशर प्लेट्स लगा देते हैं फिलहाल। अभी ये चीज़ जो है ये मेरे को अब तक की मस्त लगी है। मैंने अपना कैरेक्टर वापस चेंज कर लिया क्योंकि चैनल का नेम जैसे कि आपको पता है ये चेंज हो चुका है अभी,
अगर आप अभी तक देख ही रहे हैं मेरे अपना कैरेक्टर, अब सोच रहा हूँ चेंज करता रहूँ क्योंकि कैरेक्टर चेंज करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी स्किन्स हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था 1000 से भी ऊपर 1100 करके है मेरे पास, तो उसमें तो मेरे पास बहुत सारी है। अब मैं थीम करके भी ला सकता हूँ वीडियोस, डिपेंड करता है वो। और इसी चीज़ के ऊपर विलेजर्स का घर है, मतलब इतना वाइड हो रखा है मेरा घर, इतना फैला हुआ है कि इतने दूर तक मैंने सोचा था उतने दूर कुछ नहीं होगा, पर इसके ऊपर ही जस्ट उनका घर है। अब मैं खोद के क्या ही दिखाऊँ, क्योंकि मैंने पहले खोद रखा था यहाँ से नहीं, इस गेट को, गेट के एग्जैक्ट दूसरी तरफ वो विलेजर्स का घर है। तो ये कैरेक्टर उनको अच्छा लग रहा था, मैंने उनके ये सब भी ले लिए थे। तो इतना ही आज के लिए कहना था, तो इस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी, क्योंकि आपने पूरे 15 अक्टूबर तक वेट करा। अगर अच्छी लगी तो फटाफट से आगे लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।